स्वीकार करता हूं। ये स्वच्छता अभियान क्या ये कॉरपोरेट के लिए कार्यक्रम है क्या, अमीरों के लिए है क्या, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए हमारा हिंदुस्तान का गरीब तरस रहा है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला तरस रहा है, क्या हम स्वच्छता नहीं दे सकते? और उस अभियान को जब मैं चलाता हूं तो मैं उस गरीब की आवाज सुनता हूं, माताओं बहनों के सम्मान की बात करता हूं। जनधन योजना, इस देश के गरीब के बैंक अकाउंट खुले, क्या ये कॉरपोरेट का कार्यक्रम है क्या? जनधन योजना, प्लीज, जनधन योजना, ये गरीबों के बैंक के खाते खुले हैं, ये न अमीरों का कार्यक्रम है न कॉरपोरेट वर्ल्ड का कार्यक्रम है। स्कूल में टॉयलेट, ये कौन सी स्कूल है जहां गरीब के बच्चे जाते हैं? सरकारी स्कूल जो गरीब के बच्चे जाते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे जाते हैं, ड्राइवर का बेटा जाता है जिसको अब एस्पिरेशन है बच्चों को पढ़ाना है, टॉयलेट नहीं है। टॉयलेट की मैं बात कर रहा हूं, उसके लिए मैं लगा हुआ हूं, क्या ये अमीरों का कॉरपोरेट वर्ल्ड का कार्यक्रम है क्या? मैं सॉइल हेल्थ कार्ड की बात कर रहा हूं, किस किसान के लिए? गरीब किसान के पास कम जमीन है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप की मैं बात कर रहा हूं, क्यों? छोटा किसान है, जमीन कम है, उसकी उपज ज्यादा कैसे पैदा हो, उसके लिए मशक्कत कर रहा हूं, क्या ये कॉरपोरेट वर्ल्ड का कार्यक्रम है क्या? क्या ये अमीरों के खजाने में जाने वाला काम है क्या? हम कोल ऑक्शन करते हैं, कोल ऑक्शन से पैसा आता है हिंदुस्तान का पूर्वी बेल्ट, जिसके पास इतनी प्राकृतिक संपदा है, बिहार हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, आसाम हो, पूर्वांचल हो, इतनी प्राकृतिक संपदा, ओडिशा, इतनी प्राकृतिक संपदा के बावजूद भी गरीबी उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। क्या उन राज्यों को गरीबी से बाहर लाना है कि नहीं लाना है? क्या हिंदुस्तान का पश्चिमी छोर का ही विकास होता रहेगा? मेरे मन में दर्द है, जब तक हम हिंदुस्तान का ये संतुलित विकास नहीं करेंगे, देश आगे नहीं बढ़ेगा। और इसलिए कोल ऑप्शन से पैसा जाएगा वो इन्हीं राज्यों के पास जाएगा, क्योंकि कोल उनके पास है, और गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए उनको एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। क्या ये अमेरिका के लिए हो रहा है क्या? ये क्या कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए हो रहा है क्या? गंगा सफाई, इस देश की 40% जनसंख्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से गंगा के साथ जुड़ी हुई है। आर्थिक दृष्टि से गंगा सफाई किसी के लिए श्रद्धा का विषय हो सकता है, गंगा सफाई किसी के लिए एनवायरमेंट का विषय हो सकता है, लेकिन गंगा सफाई एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक प्रोग्राम भी है, एक आर्थिक चेतना जगाने वाली ताकत रखता है। ये वहां के इलाके के गरीब से गरीब लोगों के आर्थिक जीवन में बदलाव लाने का एक बहुत बड़ा साधन बन सकता है। ये सरकार आखिरी छोर पर बैठे हुए दरिद्र नारायण की सेवा करने के लिए अपने संकल्प को लेकर के चल रहा है। स्किल इंडिया, आनंद जी बता रहे थे, मैं बताना नहीं चाहता हूं कि कितनी कमिटियां बनी, कितने मिशन बने, कितने लोग आए, कितने लोग गए, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सारी दुनिया, समृद्ध से समृद्ध देश भी एक विषय पे फोकस करके काम कर रहा है, स्किल डेवलपमेंट। हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम अच्छे ढंग से, हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसके पास भुजाएं हैं, तो उसके हाथ में हुनर भी चाहिए। सिर्फ भुजाओं से बात बनने वाली नहीं है, भुजाओं में हुनर भी चाहिए। अगर हुनर होगा तो मैं समझता हूं इस देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हमारे देश का नौजवान एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। और इसलिए स्किल डेवलपमेंट हिंदुस्तान के सामान्य से सामान्य गरीब, पांचवी कक्षा पढ़ा छोड़ दिया, तीसरी कक्षा पढ़ा छोड़ दिया, उन बच्चों के लिए ये फोकस करने वाला कार्यक्रम है, उसको लेकर के हम चल रहे हैं। हाउसिंग फॉर ऑल, कि कौन लोग हैं जिसके पास घर नहीं है? ये कॉरपोरेट है क्या? ये गरीब लोग हैं, गरीब को घर देने की कोशिश है। 3 करोड़ घर गांव में बनाने हैं, 2 करोड़ घर शहर में बनाने हैं। और 2022 भारत की आजादी का अमृत महोत्सव, हम इस सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ सकते? और इसमें कोई राजकीय एजेंडा नहीं हो सकता है जी। जहां पर कांग्रेस उनकी सरकारें होंगी, हम उनको भी कहेंगे लीजिए, आइए मिलिए, अपन गरीबों को घर दें। ये इस सरकार उस सरकार का कार्यक्रम नहीं है, देश के गरीबों का कार्यक्रम है। और इसलिए हम उस चीजों को लेकर के चल रहे हैं। मैं मानता हूं कि हम गरीबों को लेकर के जिन बातों को कर रहे हैं,
उसको अगर आगे बढ़ाने में आपका पूरा सहयोग रहेगा। आप देखते हैं